अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं आज इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इस थ्योरी को हमने अप्लाई कैसे करना है और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसके बाद उसकी शेप कैसे फ़ाइंड आउट करनी है तो कल के लेक्चर में हमने इसके मेन पॉइंट्स पढ़े थे रूल्स पढ़े थे जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और फिर उसकी फ़ाइनल शेप फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो आज हम स्टार्ट करते हैं ए बी टू मॉलीक्यूल्स विध टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ सेंट्रल ऐटम ए बी टू मीन्स ए सेंट्रल आइटम को शो करता है और बी टर्मिनल एटम्स को इट मीन्स के सेंट्रल ऐटम के साथ टू टर्मिनल या टू अदर ऐटम्स अटैच हैं ठीक है इस मॉलिक्यूल की हमने शे फाइंड आउट करनी है इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास है ब्रिलियम क्लोलाइड ब्रिलियम ब्रोमाइड ब्रिलियम आयोडाइड कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैडमियम हेलाइट और मर्क्यूरस हेलाइट हेलाइट मीन एक्स इज इक्वल टू क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ठीक है जी और एक पॉलीएटॉमिक आयन की एग्जांपल है नाइट्रोनियम आयन एन ओ टू प्लस अब ए बी टू टाइप्स मॉलिक्यूल्स में इसकी ज्योमेट्री जो है या इसकी शेप जो है ना वो लीनियर है और इसका एंगल वन एटी डिग्री है अब हम इसको ना अप्लाई करते हैं सबको रूल्स को और फिर ज्योमेट्री और शेप फाइंड आउट करते हैं ब्रिलियम क्लोराइड की ब्रिलियम क्लोराइड इसमें आप देखेंगे सेंट्रल एटम हमारे पास ब्रिलियम है इसका एटॉमिक नंबर है फोर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वन एज टू टू एज टू इट मीन्स के इसके वेलेंस शेल में टू अलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ठीके? और उसके बाद क्लोरीन का एटम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है इसका वेलेंस शेल में ये इसका ग्रुप नंबर है सेवन और इसका एटॉमिक नंबर है सेवनटीन और इसके वेलन शर्ल में आते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जी अब यहाँ देखें ये यह इसका लेवे स्ट्रक्चर ब्रिलियम ब्रिलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स एक ये और एक ये उसके बाद क्लोरीन है क्लोरीन के सेवन इलेक्ट्रॉन टू ये हो गए टू नीचे और टू और, और ये इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया यानी इसके सेवन इलेक्ट्रॉन लिखे हुए पूरे ब्रिलियम के टू इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ भी क्लोरीन के सेवन ये इसका लेयर स्ट्रक्चर उसके बाद इस तरफ आए अब ये जो बॉन्ड बन रहे थे बॉन्ड बना रहे थे इलेक्ट्रॉन्स उसको लाइन से शो किया गया है बॉन्ड को जो शो कर रहा है ठीक है अब ब्रिलियम जो है इसके बेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए टू ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए टू वन इलेक्ट्रॉन ब्रिलियम का अपना एक उसने क्लोरीन के साथ शेयर किया तो एक बॉन्ड पेयर इस तरफ और इसी तरह ही ब्रिलियम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया तो ये बॉन्ड बना तो ब्रिलियम के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए टू जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैलेंस शेल में टू होंगे तो वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि आपस में रिपल्शन जो है ना वो मिनिमम हो तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा टू पेयर्स के दरमियान वो वन का एंगल है ठीक है जी वन एटी का एंगल इस पर मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स एक ये बॉन्ड पेयर और ये एक पेयर और जब वन एटी का एंगल होगा तो शेप क्या होगी लीनियर ठीक है जी और इसकी वेस्पर थ्योरी से जो हमने शेप निकाली वो ब्रिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की क्या आई लीनियर इसी तरह ब्रिलियम क्लोराइड अगला हम देखते हैं इसमें ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर नाइट्रोनियम आयन जो है ये पोलीटोमिक है ठीक है आइन्स पोलीटामिक आइन सबसे पहले तो आपने समझना है ये एन ओ टू प्लस एन ओ टू प्लस मीन्स नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है और इसके दो टर्मिनल्स हैं ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ओ टू इसके ऊपर लगा हुआ है प्लस इट मीन्स कि ऑक्सीजन के एटम्स जो टू एटम्स अटैच हैं नाइट्रोजन के साथ वो टू टाइप्स के हैं ठीक है एक वो ऑक्सीजन का आइटम जिसके वेलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा ऑक्सीजन का आइटम जिसके वेलन शेल में फ़ाइव इलेक्ट्रॉन होंगे क्यों फाइव होंगे क्योंकि इसके ऊपर प्लस आया हुआ है ठीक है नॉर्मली ऑक्सीजन के आइटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वेलेंस शेल में सिक्स होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन सिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है और दूसरा जो अगला ऑक्सीजन एटम है जिसके ऊपर प्लस साइन आया है उसमें एक ऑक्सीजन जो है ना वो नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम है ठीक है तो दूसरे वाले ऑक्सीजन के वेलेंस शैल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए फाइव अब आप इसका लेवे स्ट्रक्चर देखें ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फाइव ठीक है जी ये टू तो इधर आ गए ठीक और ये एक पेयर जो है ना ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन ये अब सबसे पहले आप इस ऑक्सीजन को दें देखते हैं कि जिसके पास प्लस चार्ज है इसके हैं फाइव इलेक्ट्रॉन टू ये हो गए और टू ये फोर एक इसका ये इलेक्ट्रॉन ये वाला और इसने ये नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया ठीक है उसके बाद ये ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन ने इसके ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया ठीक है ये दो के दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अपने हैं जो कि इसने इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, साथ शेयर की है एक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और एक है कोवलेंट बॉन्ड ठीक है उसके बाद इस तरफ आ जाए यहाँ पर नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन एक ये और ये दूसरा नाइट्रोजन ने अपने इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाए ठीक है थीके? ये डबल बॉन्ड हो गया एक सिंगल आ गया और दूसरा इसके ऊपर आ गया एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ठीक है जी अब आप देखें कि ऑक्सीजन के भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे हैं टू फोर और ये वाले टू सिक्स और अब नाइट्रोजन के देखें टू इधर आ गए और थ्री इधर आ गए इसके फाइव हो गए अब ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज था ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना नॉर्मल से एक इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन है टू ये हो गए ये फोर और वन इधर से आ गए फाइव ठीक है जी अब ये इसकी जो अरेंजमेंट बनती है आ, ये सिंगल सिंगल के साथ पाई बॉन्ड तो इसकी ये देखें यहाँ पे क्या किया कि जो बॉन्ड बना रहे थे ना उनको डबल लाइन से शो किया पहले सिग्मा बना और उसके ऊपर पाई और यहाँ भी ये सिग्मा और पाई अब नाइट्रोजन हमारे पास सेंट्रल एटम है सेंट्रल एटम के वेलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अगर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखे जाए ना तो वो फोर हैं ठीक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है ना वो कितने हैं वो फोर हैं ठीक है थीके? एक बॉन्ड एक पेयर को शो करता है तो टोटल नंबर ऑफ अलेक्ट्रॉन्स पेयर नाइट्रोजन के वेलेंस शेल में कितने हैं वो फोर हैं लेकिन हम इसको टू कंसीडर करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है और इसके साथ पाई बॉन्ड है जो ही पाई बॉन्ड आ जाता है तो पाई बॉन्ड को हम सेपरेट बॉन्ड पेयर नहीं देते बल्कि इसको सिग्मा के साथ ही कंसीडर करते हैं ठीक है तो ओवरऑल फिर कितने पेयर बने आपने निगलेक्ट कर देना पाई बॉन्ड के अलेक्ट्रॉन पेयर को ठीक है जी तो सिग्मा का एक पेयर और दूसरा पेयर इधर सिग्मा का ठीक है तो फिर हम कंसीडर करते हैं कि नाइट्रोजन के बेलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और अगर टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी उनका आपस में डिस्टेंस क्या होगा वो होगा वन एटी का और लीनियर इसकी ज्योमेट्री होगी ठीक है इसको ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें ये खासा इंपॉर्टेंट है और इसको लिखने के अच्छे से ट्राई करें आपने जब भी स्ट्रक्चर लिखना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए इसमें नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें उसके वेलेंस शैल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद ऑक्सीजन की लिखें ऑक्सीजन की एक तो नॉर्मल एटम की होगी और एक पॉजिटिव साइन वाले की ठीक है फिर इसका लिवे स्ट्रक्चर लिख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सब बराबर करें करने के बाद अब इसका सिंगल और डबल बॉन्ड लिखें सिंगल और डबल बॉन्ड लिखें फिर आपने वेस्पर थ्योरी में जो रूल पढ़ा था कि मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज अ सिंगल बॉन्ड ठीक है तो इस सूरत में हम यहाँ पे सिर्फ टू पेयर कंसीडर करेंगे और टू पेयर का डिस्टेंस कितना होता है वन एटी का एंगल है इनके दरमियान और इनकी जो जो है ना वो लीनियर आएगी ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट आ जाए अब है मॉलिक्यूल विथ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम यानी पीछे हमने पढ़ा था ए बी टू टाइप अब है ए बी थ्री ए बी थ्री यानी ए सेंट्रल एटम है और थ्री इसके साथ अदर एटम्स अटैच हैं जिसने ए के साथ डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड पॉइंट बनाया या ए सेंट्रल एटम है और बी थ्री यानी तीन जो है ना इसके टर्मिनल हैं ठीक है जी अगर इसका मतलब है कि ए के सेंट्रल है, ए जो है वो सेंट्रल एटम है और इसके वेलन शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और ये भी हमने वेस्पर थ्योरी का रूल पढ़ा था कि अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे सेंट्रल एटम के विलन शेल में तो ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनर प्लेनर ठीक है अब ये ट्राइगोनर प्लेनर इसमें एंगल्स कितना होता है वन ट्वेंटी का अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड बी एफ थ्री ठीक है बोरॉन जो है वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है इसका एटॉमिक नंबर फाइव है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन ठीक है यानी बोरन के वेलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए थ्री एक इधर लिखा एक इस फ्लोरीन के साथ दूसरा दूसरी फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है नाइन इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू टू पी वाई टू और टू पी जी वन यानी इसके वेलेंस शेल में है सेवन इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन के ये टू फोर सिक्स और एक इसने बोरोन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो तीनों फ्लोरिन ने तो तीनों फ्लोरिन के एटम्स ने बोरोन के साथ शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स और तीन कोवलेंट बॉन्ड बनाए जिसको के यहाँ ज्योमेट्री में शो किया गया अब बोरोन वेलेंस शेल बोरन जो है वो सेंट्रल एटम इसके वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स और थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो वो अपने आप को किस एंगल पे रखेंगे किस डिस्टेंस पे रखेंगे वो वन ट्वेंटी के एंगल पे रखेंगे ताकि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है इसकी फर्दर एग्ज़ाम्पल हैं एक बी एफ थ्री है बी सी एल थ्री बी बी आर थ्री और बी आई थ्री इन सब को इनमें से कोई भी एग्जांपल आ जाए सब का यही स्ट्रक्चर है ठीक है उसके बाद ए बी टू ई ए बी टू ई इट मींस के सेंट्रल एटम ए इसके साथ टू टर्मिनल लगे हुए हैं यानी टू टर्मिनल एटम्स लगे हुए हैं जिन्होंने डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड बनाया सेंट्रल एटम के साथ और ई e शो करता है पेयर को ठीक है ई शो करता है पेयर को और अगर ई के नीचे कुछ नहीं लिखा इट मींस के वन लॉन पेयर है ठीक है अब इसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल एटम और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे थ्री टू टर्मिनल के साथ शेयर करके आ जाएंगे और एक लॉन पेयर होगा तो इसकी ज्योमेट्री जो है ना वो एक्चुअली कितनी क्या होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर लेकिन लॉन्ग पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी बल्कि डिस्टर्ब होगी ठीक है तो डिस्टर्ब होने से जो इसकी शेप आएगी मॉलिक्यूल की वो क्या आएगी उसको एंगुलर बेंट या वी शेप कहते हैं अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल में SO2, टू एसेंसील टू ठीक है अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SO2, टू ये भी खासी इंपॉर्टेंट है और अक्सर प्रैक्टिकल्स में भी पूछी जाती है कि इसका स्ट्रक्चर लिखें और इसकी ज्योमेट्री बताएं बताएँ ठीक है तो इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है सल्फ़र सल्फ़र किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये सिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है इट मीन्स कि इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिक्स और ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये भी सिक्स वाले से है. तो इसके भी शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे सल्फ़र हमारे पास सेंट्रल एटम है ये देखें टू इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे और ये टू जो इसने शेयर किए फोर और ये जो है ये बॉन्ड इस सल्फ़र का और ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये सल्फ़र ने दो इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट किए इसके साथ शेयर किए ठीक है।, है इस तरह सल्फर के वेलन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ये टू टू इधर से आ गए फोर और एक इधर शेयर हुआ और एक ऊपर शेयर हुआ सिक्स उसके बाद इस ऑक्सीजन की तरफ देखें इस ऑक्सीजन के भी सिक्स हैं टू ये ये फोर और दो इधर शेयर हो गए इसके सिक्स पूरे हो गए और इसके पास भी सिक्स हैं टू फोर और ये सिक्स ठीक है अब सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है इसके वेलेंस शैल में हमने देखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर वन और ये जो बॉन्ड बनाए इसने ये टू और इस तरफ आ जाए ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम सिंगल बॉन्ड के तौर पे लेंगे इसको वन पेयर कंसीडर करेंगे तो फिर हम कितने टोटल पेयर्स कहेंगे ये वन टू और थ्री अगर सेंट्रल एटम के वेलेंस शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी ट्राई या ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है और ये हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा ठीक है जी ये इसके दो उसने रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे हैं ये क्या लिखा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी हमने पढ़े हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर चाहे पहले इधर आ गया ऑक्सीजन इसने डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे इस वाली ने डबल बॉन्ड सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज है और तीसरा जो आगे लिखा है वो ऐसे है जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है तो हम कहते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों तरफ जो है ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से इसको शो कर दिया जाता है ये तो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है अब हम इसकी ज्योमेट्री की तरफ जाते हैं तो इसमें सल्फ़र सेंट्रल एटम और इसके वेलेंस शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी ट्राइगोनर प्लेनर्स लेकिन लॉन पेयर होने की वजह से लॉन पेयर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रहेगी ठीक है बल्कि क्या हो जाएगी बेंट कह लें इसे या एंगुलर कह लें अब वो क्यों होगी ये देखें ये लॉन् पेयर हमने पीछे पढ़ा था इसकी जो रूल्स पढ़ रहे थे लॉन पेयर जो है ना वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है एज़ कंपेयर टू बॉन्ड पेयर जब लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो फिर ये इस बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करेगा क्योंकि इसकी ऑर्डर ऑफ़ रिपल्शन भी आपने पढ़ी थी कि लॉन पेयर लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा उसके बाद लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर तो ये लॉन्ग पेयर इधर से पुश करेगा इस एंगल को इस ऑक्सीजन को अंदर की तरफ और यहाँ से भी ये इसे पुश करेगा अंदर की तरफ तो ये जो एंगल था ऑक्सीजन सल्फर और ऑक्सीजन का जो वन ट्वेंटी होना चाहिए था ये वन ट्वेंटी से डिक्रीज़ हो जाएगा इसका एंगल क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी से इसका एंगल कम हो जाएगा जब इसका एंगल वन ट्वेंटी से कम होगा तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा झुक जाएगा इसलिए फिर हम कहेंगे कि एस ओ टू की जो शेप है वो क्या है बेंट भी से कहते हैं और एंगुलर भी ठीक है ये आ गया इसमें आपने ये लिखना है और इसकी ये ज्योमेट्री और शेप ठीक है जी उसके बाद आगे अगली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास स्टेनस क्लोराइड की स्टेनस क्लोराइड एस एन स्टेनस ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है ठीक है फोर्थ ग्रुप फोर्थ ग्रुप का मतलब है कि एस एन के वेलेंस शेल में स्टेनस के वेलेंस शेल में फोर नंबर अलेक्ट्रॉन्स हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर अब हम इसकी uh, लिखते हैं लेवर स्ट्रक्चर ये एस एन एस एन के वेलेंस uh, शेल में है फोर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये टू इलेक्ट्रॉन्स एक इसने इसके क्लोरीन के साथ शेयर किया और एक इस क्लोरीन के साथ शेयर किया हर क्लोरीन के अपने बेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेवन टू और ये टू फोर और एक इसने शेयर किया और ये दो इधर आ गए ठीक है सेवन इसके पूरे हो गए इसके देखें ये टू ये टू फोर और ये नीचे सिक्स और सेवन वाला इसने शेयर किया अब एस एन स्टेनस जो है ये सेंट्रल एटम है इसके वेलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इन थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से अब बॉन्ड पेयर कितने हैं बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास टू और लॉन् पेयर कितने हैं एक अब जो ही एक लॉन्ड पेयर आ गया तो ज्योमेट्री जो है ना वो फिर रेगुलर नहीं रहेगी ठीक है थ्री लॉ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी चाइगोनर प्लेनर लेकिन अगर एक भी लॉन् पेयर आ गया तो जोमेट्री जो होगी वो रेगुलर से डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि लॉन् पेयर जो है ज़्यादा स्पेस ऑफ करता है और वो बॉन्ड पेयर को पुश करेगा जब वो पुश करेगा इधर रिपल्शन ज़्यादा होगी और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो इसको पुश करेगा और इधर भी इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगी इस लॉन्न हो पेयर में और इस बॉन्ड पेयर में जिसकी वजह से ये लॉन् पेयर इस क्लोरीन के एटम को अंदर की तरफ पुश करेगा तो एंगल जो है वो वन ट्वेंटी से डिक्रीज़ कर जाएगा तो इसकी शेप भी वी शेप या बैंड शेप आ जाएगी सिर्फ लॉन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है ना वो रेगुलर नहीं रहेगी बल्कि डिस्टर्ब हो जाएगी ठीक है इसको आप ज़रा अच्छी तरह से इसको भी देख लें उसके बाद आगे आ जाए कि मॉलिक्यूल्स विद फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ सेंट्रल एटम यानी इसमें ए बी फोर ए बी फोर में ए सेंट्रल एटम है और फोर इसके टर्मिनल एटम्स हैं यानी ए सेंट्रल एटम ने फोर बी एटम्स के साथ फोर बॉन्ड बनाए हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड ठीक है इसमें अगर ऑक्सी ये जो ए है इसके वैलेंस शैल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आएंगे फोर तो जब फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल ठीक है अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है सी एच फोर सी सी एल फोर एस आई एस फोर ठीक है अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनकी ज्योमेट्री कैसे अट्रैक्ट्राइट है। मीथेन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स और इसके वेलेंसल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फोर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन ये ऑक्सी कार्बन कार्बन के चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन और उसके वैलेंस शैल में एक इलेक्ट्रॉन जो कि उसने कार्बन के साथ शेयर किया तो कार्बन सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस शैल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए फोर ये वन टू थ्री और ये फोर चारों के चारों जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं जब चारों बॉन्ड पेयर हैं टर्मिनल भी एक जैसे एटम्स हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बिल्कुल रेगुलर टेट्राहेड्रल ठीक है और इनका एंगल्स क्या होगा आपस में वन ज़ीरो नाइन पॉइंट टू एट इसी तरह कार्बन टेट्राफ्लोराइड है इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह डिस्कस करना है कि कार्बन के वैलेंस शेल में फ़ोर इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन ये टू इधर आ गए ये फोर हो गए ये सिक्स और एक इसने शेयर कर लिया ठीक है कार्बन टेट्राक्लोराइड इसकी ज्योमेट्री भी परफेक्ट होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और इसका एंगल भी क्या होगा वन जीरो नाइन पॉइंट टू एट ठीक है इसमें यानी रेगुलर ज्योमेट्री है ज्योमेट्री सिर्फ रेगुलर से कब डिस्टर्ब होगी अगर सेंट्रल एटम के वेलेंस शेल में एक भी लॉन्ग पेयर आ गया या टर्मिनल जो है उसमें डिफरेंट किस्म के एटम्स लगे होंगे तो ज्योमेट्री जो है वो डिस्टर्ब होगी वरना ज्योमेट्री जो है वो बिल्कुल रेगुलर रहेगी ठीक है आगे हम देखते हैं ये देखिए इसकी ज्योमेट्री मीथेन की और कार्बन टेट्राफ्लोराइड की टेट्राइडल ज्योमेट्री टेट्राइडल ज्योमेट्री में आप देखें ये भी बात का तो ऑब्जेक्टिव में आ जाती है कि टैट्राइडल में कितनी फेस हैं कितनी फेसेस हैं इसके ठीक है काउंट करें इसको ये वन टू थ्री और फोर ठीक है टेट्राहेड्रल में कितने फेस हैं ये देखें ये वन फेस ये टू और ये थ्री और ये फोर यानी इसको ज़रा तसली से देखें तो आपको फोर ट्रायंगल्स नज़र आएंगे ये फोर ट्रायंगल इसकी फेसेस हैं जैसे ऑक्टाहेड्रल की होती हैं या क्यूब्स की होती हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है अच्छा जी अब आगे हम एग्जांपल देखते हैं अमोनियम आयन के एन एच फोर प्लस सल्फेट आयन एस ओ फोर टू माइनस ठीक है और या पर क्लोरेट आइन सी एल ओ फोर माइनस इनको हम डिस्कस करते हैं इन सब की ज्योमेट्री जो है वो क्या है टेट्राहेड्रल है इसमें आप देखें कि नाइट्रोजन अमोनियम आयन ठीक है अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के बेलेंस शैल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फाइव ठीक है फाइव में से उसने तीन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के शेयर कर लिया एक उसके पास लॉन्ग पेयर रह गया जो कि उसने प्रोटॉन के साथ यानी एच प्लस उसके पास एच प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके साथ शेयर किया और बनाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ठीक है तो नाइट्रोजन के वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए फोर और जब फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और रेगुलर होगी ठीक है उसके बाद ये सल्फेट आइन है सल्फेट आइन में आप देखें सल्फर जी सल्फर के सेंट्रल एटम में सल्फर सेंट्रल एटम है इसके वेलेंस शेल में सिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है थीके? और उसके बाद एसओ फोर टू माइनस इट मींस जो ऑक्सीजन है उसमें से ये चारों के चारों ऑक्सीजन एक जैसे नहीं है बल्कि इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसके पास बल्कि हाँ जी एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो दो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसे होंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर माइनस साइन है ठीक है जी यानी नॉर्मली सिक्स होते हैं उसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे जब वो सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इसके साथ शेयर करके ये से बॉन्ड बनाना है कैसे बनाना है कि सबसे पहले आप सल्फ़र को लिखें इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें फिर दो ऑक्सीजन आइटम ऐसे लिखें कि जिसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है और दो ऑक्सीजन आइटम ऐसे लिखें जिनके पास सेवन इलेक्ट्रॉन है और फिर इनके बॉन्ड बनाएं तो आपको ये स्ट्रक्चर इसका ना क्लियर हो जाएगा कि कितनों के साथ ये सिंगल बना रहा है और कहाँ ये डबल बॉन्ड बना रहा है ठीक है और इसके सल्फ़र के बेलेंस शैल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आएंगे ये फोर ही आएंगे और इसकी जोमेट्री क्या होगी टैट्राइडल इसी तरह ये पर क्लोरेट आइन है इसकी जो भी टैटराइडल है इसके भी लिखें स्ट्रक्चर सारे और इसकी शेप बनाएं ठीक है ये भी टैटराइडल है अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये आप मेरे साथ डिस्कस करें इंशाल्लाह इससे आगे हम कल देखते हैं